Hey guys, welcome back to another episode of Pokemon Nuzlocke series. तो guys, last episode में हम लोग आ चुके थे इस जगह पे. यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने स्केव एंट्री तो नहीं की थी, लेकिन हाँ हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी फाइट की थी. मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ. प्रूफ मतलब बेसिकली हमारे पोकेमोन अभी तक हील नहीं है, यही है मेरा प्रूफ. तो एक काम करेंगे, फट से हम लोग पोकेमोन को हील करके आते हैं. और यहाँ पे कोई तो अरे कौन मारिया करके कोई तो है, कॉल कर रही है खाली फुकट में. वेट, आई विल जस्ट गो एंड हील माई पोकेमोन राइट, बिकॉज अगर यहाँ पे जस्ट इन केस काफ़ी ज़्यादा बैटल्स आने वाली होगी तो मेरे को दिक्कत आ सकती है राइट. तो यहाँ पे हम लोग अपने पोकेमोन को फट से हील कर लेंगे राइट. ओके, पोकेमोन हील हो चुके हैं. बहुत जल्दी जल्दी में हम लोगों ने पोकेमोन को हील कर दिया. यही होती है पावर जब आपके पास स्पीड होती है गाइस. यहाँ पे हम लोग ये तो ये भी तोड़ दिए. और चलो अभी हम लोग काम करेंगे यहाँ पे इन लोगों के साथ. तो हमारी फाइट हो चुकी है, मोस्टली मैंने सभी को हरा दिया है. ओके, तो अभी इन अंकल के साथ मेरी फाइट हुई नहीं है. अंकल आप मेरे साथ फाइट करोगे? अंकल के पास एक वाटर टाइप पोकेमोन था और एक इलेक्ट्रिक है. ओके, आई विल यूज शैडो बॉल एंड अंकल हार चुके हैं. ओके, ये लोग कौन है? टीम मैग्मा के मेंबर लग रहे मेरे को. ओके, तो बेसिकली कुछ तो मीटोराइट के और फ्लेवर टाउन के बीच में कुछ तो बातें हो रही है यहाँ पे. आई डोंट नो, बट हम लोग पहले इस केव को पार करेंगे राइट. ओ यहाँ पे एक चारिज़ार्ड है, क्या मैं इसको पकड़ सकता हूँ? ये क्या लॉजिक है, ये खुद ही मेरे से फाइट कर रहे हैं. ओ माय गॉड. ओके, आई डोंट नो मैं इसको सेव कैसे करूं, बट ओके मेरे को सीरियसली ये पोकेमॉन चाहिए मेरे टीम में एंड मैं इसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ. आई नो इसका लेवल काफ़ी ज़्यादा है. पहले मैं इसको कन्फ्यूज ओके इसने स्वैगर मार दिया. नहीं भाई, नहीं 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 ब्रो, नहीं प्लीज़ नहीं. ये क्या हो रहा है यार, मैंने सोचा था कि मैं स्लीकिंग को अपनी टीम में ऐड करूंगा, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि वो मेरी बैंड बजा देगा. आई विल डेफिनेटली चेंज माय पोकेमोन. लकी आई होप तू कुछ कर पाएगा यहाँ पे. ओके, स्लीकिंग कंफ्यूज तो है, वो खुद को अगर हर्ट करेगा तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज देगा. नहीं यार, ज़्यादा डैमेज भी नहीं दे रहा. ओके, आई विल यूज बग बाइट. ओके, ये खुद ही कंफ्यूज हो गया. डैम गाइज, नहीं हमारा लकी. ओके लकी चल बसा. आई विल डेफिनेटली चेंज माई पोकेमोन, बिकॉज देखो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे अगर पोकेमोन चले भी जाएंगे ना, बट मेरे को इस पोकेमोन को पकड़ना है. तो वेट, आई विल यूज छोटो, बिकॉज छोटो एक घोस्ट टाइप है एंड अगर छोटो ने यहाँ पे, लेकिन ये स्वैगर कर देता है ना, ये दिक्कत है. ओके वेट, एक और बार अगर मेरा हमला लग गया है ना इसको, छोटू आई बिलीव इन यू, प्लीज प्लीज मेरे को एक नंबर छोटू. ओके, अब मुझे बस मेरे पोकेमॉन को हील करना है ठीक है. एक नंबर, देखते गस्ट कितना डैमेज. ओह डिसेंट डैमेज दिया यार. कट देखो कितना देगा. ओके, ये रेड पे आ चुका है. नाउ आई विल ट्राई टू यूज पोकेबॉल्स. आर यू सीरियस? इस क्यों का ये मेरा पहला तो पोकेमॉन था, तो मतलब आप कहना चाहते हो कि मेरा लकी का बलिदान वेस्ट में चला गया? आर यू सीरियस? क्या यार, ये मूव मत सीख ब्रो, मेरे को नहीं सिखाने ये सब मूव्स. बट नहीं,
क्या हो रहा है। ओके बट नहीं गाइस यार, मेरा लकी एक्स्ट्रा सेंसरी ठीक है, ये सिखा सकता हूँ मैं लकी को। ओके मिस्टिकल फायर आई गेस तुझे जाना पड़ेगा, बिकॉज मिस्टिकल फायर 75 का है, एक्स्ट्रा सेंसरी थोड़ा ज़्यादा है और वो फ्लिंज भी करा सकता है, बट मिस्टिकल फायर ऑन दी अदर हैंड स्पेशल अटैक भी कम करता है यार, मुझे पता नहीं। बट हाँ पीपी की वाइज अगर हम लोग मिस्टिकल फायर को हटा सकते हैं, बिकॉज पीपी मिस्टिकल फायर की कम थी जो कि समझ में आता है, एक्स्ट्रा सेंसरी की 20 है। ओके यार दैट इज रियली रियली बैड, बिकॉज क्या मैं इसको पकड़ सकता हूँ? आई गेस नहीं पकड़ सकता। वेट मैंने इसको हील क्यों नहीं किया पहले? मेरे को हील करने दे इसको, बिकॉज ऑलरेडी मेरा एक पोकेमोन अभी फेंट हो चुका है और मैं इससे ज़्यादा झेल नहीं सकता गाइस सीरियसली। ओके थैंक गॉड। मैं आप पे डबल बैटल करना प्रेफर करूँगा, तो आप दोनों एक साथ देखो मेरे पे। ओके वेरी गुड, आई विल यूज वेट। और हम लोग यूज़ करेंगे एक्स्ट्रा सेंसरी का। वो एक जोरवा कर रहा है। ओके और ये भी चला गया, एक बहीम। ये साइकिक टाइप होता है ना, तो इसके सामने तो सुपर इफेक्टिव होना चाहिए। ओके हरा दिया। यहाँ पे बेरीज है काफ़ी ज़्यादा, पचा बेरीज उठा लेंगे। बेरीज को मैं छोड़ता नहीं गाइस। ओके यहाँ पे वाइल्ड पोकेमोन, एंड आई डोंट थिंक मैं यहाँ पे पकड़ पाऊंगा वाइल्ड पोकेमोन। ओके पता है इस बंदे से अगर आप बात करोगे ना, तो ये आपको सीक्रेट पावर देगा, TM43 सीक्रेट पावर आई गेस। सीक्रेट पावर ही है ना? हाँ सीक्रेट पावर ही है। इससे आप लोग अपना बेस बना सकते हो, जो कि हम लोग नेक्स्ट किसी एपिसोड में बनाएंगे। बट यार मेरे लकी के साथ बहुत अनलकी हुआ, बेचारा अनलकी हो गया। बट वेट यहाँ पे है ना पोकेमोन, आप हील कर सकते हो, तो आप बस सिंपली यहाँ पे जाओ अंदर और ये आंटी आपके पोकेमोन को हील कर देगी। थैंक यू सो मच आंटी। बस बस हो गया आंटी, पूरा जमाना थोड़ी रहूँगा ना आपके घर पे, ऑब्वियसली आगे भी जाना है मेरे को। यहाँ पे उड़ान बेरीज है तो हम लोग पिक कर लेंगे, राज बेरीज। ओके यहाँ पे एक और बैटल आ रही है, कर लेंगे। कौन सा बना रहे? ओ कंफ्यूज रे, चार्ज बीम, चार्ज बीम। ओके चार्ज बीम, चार्ज बीम। ओके ओ कैस्पर इलेक्ट्रो बॉल सीख रहा है। वेल नहीं यार, ये थोड़ा सा अजीब मूव है, तो नहीं मैं नहीं सिखाऊंगा इसको, बिकॉज़ ये डिपेंड करता है आपके पोकेमोन के स्पीड के ऊपर। यस स्टॉप लर्निंग इलेक्ट्रो बॉल, एंड कैस्पर इतना भी फास्ट नहीं है कि लाइक वो इस मूव का फ़ायदा उठा सके। फिर से पोकेमोन हील कर लेते हैं, जल्दी से जल्दी कर लेंगे वो। आंटी दी जल्दी कर देगी अपने पोकेमोन को हील। बट जो भी हुआ बेचारे लकी के साथ काफ़ी बुरा हुआ। बस हो गया, बस हो गया आंटी। नहीं आंटी मेरे को जाने दो। थैंक यू आंटी, आपने मेरे को हील भी किया और फिर मेरे को जाने भी दिया, उसके लिए आई एम सो थैंकफुल आंटी। ओके तो अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे एक नए फेरी पाथ पे, और यहाँ पे हम लोग बैटल करेंगे। ओ कैसली, आई कैन कैच वन, तो आई विल कैच वन। उसने कर्ज यूज कर दिया, डैम।
मेरे पोकेमोन को चेंज करना पड़ेगा। आर यू सीरियस? उसकी एबिलिटी शैडो टैग है। नहीं गाइस, नहीं नहीं नहीं, फिर तो हो गया हमारा काम। चलो एक अंधे में काइंड ऑफ निशाना मारते हैं हम लोग, इसको कैच करने का ट्राई करेंगे। अगर ये आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आ गया। ओह फाइनली गैसली हमारी टीम में आ चुका है। इसको मैं क्या नाम दूँ यार, इसको हम लोग नाम देंगे, मे बी इसको नाम दूंगा लकी टू, बिकॉज लकी आज के एपिसोड में ही गया, तो हम लोग ऐसा मान के चल सकते हैं कि ये लकी का री इनकारनेशन है, एंड री इनकारनेशन है दैट इज़ वाई ये आई गेस गोस्ट भी है काइंड ऑफ। बट लकी यार मेरे को लगा था कि मैं उसको पकड़ लूँगा और लाइक सोचो कितना ब्रोकन हो जाता मेरा पोकेमॉन, बट इट्स ओके। ओके लकी टू हमारे टीम में आ चुका है। चलो मोहतरमा आप मेरे से बैटल करोगी, आपके पास एक छोटू सा पीचू है, क्या ही कर लेगा वो। एक डबल बैटल, ओह आप बैटल नहीं करोगी, आ जाओ। एक स्कोगेट गया और आई विल यूज एक्स्ट्रा सेंसरी, ठीक है। चलो हरा दिया। आई विल डू वन मोर थिंग, आई विल जस्ट हील माई पोकेमॉन, ठीक है। सुपर पोशंस मेरे को बाय करने तो चाहिए। लकी टू को आई गेस जरूरत नहीं है हीलिंग के, बिकॉज वो अभी कोई सी बैटल में आने तो नहीं वाला, इतने जल्दी तो नहीं है एटलीस्ट। यहाँ पे वो निंजा वाला पोकेमॉन, एक वेट एक, हम लोग एक और काम कर सकते हैं यहाँ पे। अगर हम लोग यहाँ पे अंदर जाएंगे ना घर में, तो यहाँ पे ये जो अंकल है वो काइंड ऑफ वॉल्केनिक ऐश कलेक्ट करते हैं, जिससे कि हम लोगों को ये कुछ ना कुछ बना के दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए आई गेस पोकी बॉल वगैरह। तो अगर हम लोग ये वाले घास में चलेंगे ना लाइक दिस, तो आप लोग कलेक्ट करोगे वॉल्केनिक ऐश। ओके हाँ मेरे पास ऑलरेडी फ्रोगेडियर है, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाता, बोल मैं ऑफेंड हो जाता कहीं सीरियसली। यहाँ पे इतने सारे फ्रोकी क्यों है? ओके मैं चाहता हूँ यहाँ पे डबल बैटल हो। चलो आ जाओ। ओ टैन ग्रोथ ओके है, वन शॉट किल हो जाएंगे ये लोग। ओके नाउ आई विल यूज समथिंग न्यू, फॉर एग्जांपल फैंटम फोर्स। नहीं अभी हम लोग यूज करेंगे शैडो बॉल का, और ये चला गया। वेरी नाइस वेरी नाइस। नाइट शेड आई मीन ये लेवल के वाइज डैमेज देता है। विलो विप सेकर्स, सेकर्स तो हटाना पड़ेगा। हिप्नोसिस ठीक है, डिसेंट अटैक है। वेनोशॉक कौन सीख रहा है? ओ और ये एक स्पेशल अटैकिंग मूव है, मुझे नहीं पता था। पॉइजन टाइप भी है तो हम लोग जरूर सिखाएंगे। विलो विप्स रखने देता हूँ लाइक पोकेमॉन को, हम लोग ये कर सकते हैं मीन लोग हटा देते हैं, बिकॉज वैसे भी इसके आई गेस एबिलिटी शेडो टैग है और कन्फ्यूज रे भी है, तो हिप्नोसिस हटा के कन्फ्यूज रे दूंगा, बिकॉज हिप्नोसिस का 60% ही होता है ना एक्यूरेसी, ऑन दी अदर एंड कन्फ्यूज रे 100 times होता है। और एक और चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ, चेंसी का स्पेशल डिफेंस काफ़ी ज़्यादा होता है गाइस, और एज़ कम्पेयर टू इसका स्पेशल लाइक नॉर्मल डिफेंस। बट हाँ ओके हम लोगों ने इन दोनों को हरा दिया है। यहाँ पे हम लोग अभी ओके लेट मी जस्ट हील माय पोकेमॉन। और यहाँ पे ये जो मोहतरमा है इनसे अगर बात करोगे तो ये मुझे बताएंगे कि ये हमारा ही पीसी है, इन्हीं का पीसी है, अभी लॉग ऑफ करेंगे हम लोग। ओके इस सिटी में मोस्टली तो कुछ है नहीं ऐसा एक्सप्लोर करने लायक। यहाँ पे अगर बात करोगे तो ये आपको रोर सिखाएगा, ठीक है। तो अगर आपको अगर किसी को सिखाना है तो यहाँ पे आके सिखा दो, सिंपल एज दैट। फ्लिंग आ रहा है ओके। फ्लिंग मैंने नहीं सीखा, बिकॉज फ्लिंग में वो कुछ तो अपना वो फेंक के मारता है गाइस, ऑब्वियसली ऐसा कुछ भी नहीं सिखाना जो कि फेंक के मारता है। एक्वा आई चूज यू ब्रो,
वेरी गुड वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। ओह, एक टैनग्रोथ, दिस इज अ नाइस पोकेमोन। और ये सर्वाइव भी कर गया और इसने मेरे पोकेमोन को पॉइजन कर दिया। वेल दैट इज़ अ नाइस थिंग, कोई बात नहीं। हम लोग पहले तो मैं इसको पकड़ूंगा बिकॉज चलो एक टैनग्रोथ भी आ चुका है हमारी टीम में। एक ग्रास टाइप है और ये सॉरी ये टैंगेल है, आगे जाके टैनग्रोथ होता है जब ये एंशिएंट पावर सीख जाता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 36 या फिर 44 के लेवल के आसपास ये सीख जाता है। तो आप ऐसे अज्यूम करके चलो कि ये उसी टाइम पर इवॉल्व होगा। अभी हम लोग इसको क्या ही नाम दो यार इसको, टैंगेल काफ़ी वियर्ड पोकेमॉन दिखने में है, बट क्या नाम दो इसको, आई गेस इसको मैं नाम दूंगा क्या नाम दो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ओके हम लोग इसको नाम देंगे लेमो। एंड वेट, हम लोगों को एक्चुअली बैग में जाना है, एंटीडोड में जाना है और वो हमको देना है हमारे कैस्पर को। ठीक है, वेरी नाइस। अभी हम लोग ये जो मिशन है वो हम लोग काइंड ऑफ पूरा करेंगे। ये उसी लड़के का घर है जो कि हम लोगों को पोकेमॉन सेंटर में मिली थी, और अगर हम लोग इससे बातें करेंगे तो ये बस कुछ करती नहीं है। हम लोगों को एक लोटर डॉल देती है जो कि ऑब्वियसली हम कहीं पर भी यूज़ नहीं करेंगे। और दैट्स इट, ये इवेंट यहीं पे ख़त्म होता है। हम लोग इनसे भी बैटल कर लेंगे। इनके पास ठीक ठाक ही पोकेमॉन है। ओ ये थंडरबोल्ट सीख रहा है, डैम गाइस, थंडरबोल्ट तो काफ़ी सही मूव है। चार्ज भी मैं नहीं हटा सकता बिकॉज ऑब्वियसली ये एक स्पेशल अटैकिंग बढ़ाने वाला मूव है। तो आई गेस हम लोगों को यहाँ पे शॉप पे उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ओके अभी फिर से हम लोग शेडो बॉल यूज करेंगे एंड हरा दिया। कॉफी क्रिगर्स के ऊपर आराम से हरा देंगे, वेरी गुड। ओके यहाँ पे काफ़ी काफ़ी वीक पोकेमॉन्स हैं इनके। आई गेस यहाँ से हम लोग आगे आराम से जा सकते हैं और आप तो बैटल करोगे ही राइट। पेबैक कौन सीख रहा है ये? नहीं यार पेबैक वगैरह नहीं सिखाना मेरे को बिकॉज गैन लाइक ओ टॉक्सिक, टॉक्सिक सीख रहा तो मैं डेफिनेटली टॉक्सिक सिखाऊंगा। कर्स हटाओ, कर्स फालतू मूव है, टॉक्सिक सिखाओ। एक और डबल बैटल, ओ आ जाओ। आई एम नॉट श्योर बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। डबल हिट सीख रहे हैं, वेल इसके पास ठीक ठाक ही मूव है। डबल हिट नहीं, नहीं सिखाना मेरे को। यस ग्रोथ, ग्रोथ भी नहीं सिखाना। बट वेट 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 वेट, मेरे को देखना है ग्रोथ कितना स्टेज से बढ़ाता है। कुछ कुछ गेम में दो स्टेज से बढ़ा देता है, नहीं यहाँ पे एक ही स्टेज से। तो हम लोग ऑब्वियसली नहीं सिखाएंगे, एक स्टेज से कुछ नहीं होता यार, स्टॉप लर्निंग। ओके अभी हम लोग ओके ये भी काफ़ी इजीली चला गया शैडो बॉल। दैट वाज इजी। अंकल आप बैटल करोगे? आई गेस आप नहीं करोगे, कोई बात नहीं। यहाँ पे ऊपर एक आइटम होता है जो कि आपको कुछ भी मिल सकता है बिकॉज रैंडमाइजर है। एक स्कारमोरी, वेल आई गेस
पकड़ना तो सही होगा। बट कोई बात नहीं, यहाँ पे ये वाला इवेंट अभी हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे टीम मैग्मा के मेंबर सबको बताते हैं कि यहाँ पे कुछ काम चालू रहता है इनका, और यहाँ पे टीम आर्ची आ जाते हैं और वो इन लोगों का काइंड ऑफ छोटा सा फाइट होती है, फाइट नहीं झगड़ा हो जाता है, भगा देते हैं वो उनको। और फिर अभी हम लोगों को ये वाला इवेंट कर ही देता हूँ, और फिर इसके बाद अभी हम लोगों को वहाँ पे जाना है जहाँ पे हम लोगों ने पहले टीम मैग्मा के मेंबर के साथ फाइट की थी ना, फाइट नहीं लाइक बात की थी उधर। ओके, इस अंकल से बात कर लेते हैं, कॉस्मो रहता है इसका नाम। ये लोग उसका मिसयूज़ करते हैं, और इसने ग्रोटल यार बेसिकली ये लोग इसका मिसयूज़ करके इसको यहाँ पे लाते हैं। बट उसको ये लोग ये बता देते हैं कि इनका प्लान क्या है एक्चुअली। तो या अभी हम लोग वही प्लान, फेमस प्लान इनका, चौपट करेंगे, कोई बात नहीं। मेरे को अभी बस यहाँ से उड़ के जाना है, बट मेरे पास अभी तक कोई पोकेमोन है नहीं ना उड़ने वाला, तो यही करना पड़ेगा। ओके, एक नज़लीफ। ओके वेट ब्रो वेट, आई विल डू वन थिंग, आई विल हील माई पोकेमोन, ठीक है। अगेन फ्रोकी, यहाँ पे कितने फ्रोकी है, अनलिमिटेड फ्रोकी है गाइस यहाँ पे। पोकेमोन तो सही सही आ रहे हैं मुझे यहाँ पे। ओके, अब मुझे जाना है यहाँ से नीचे, बेसिकली माउंट चिमनी के यहाँ पे। ओ यू हैव अ पोकेमोन, मैंने देखा नहीं। छोटू तू आगे आ जा। ओके, बिकॉज तेरा फ्रेंड काइंड ऑफ नीड्स योर हेल्प। ओके राइट नाउ लेट मी जस्ट हील माई पोकेमोन। एंटीडोट लेने के फायदे क्या हो रहे हैं? मेरे पास फोलियल भी था बट इट्स ओके। ओके इन लोगों को तो मैंने काफी इजीली हरा दिया है। एक मिमी क्यों, डैम इतने अच्छे पोकेमोन हैं यहाँ पे बट फिर भी हम लोग पकड़ नहीं सकते, टू बैड फॉर अस। ओके, अभी हम लोगों को यहाँ से ऊपर जाना है। ओके, यहाँ से ऊपर जाते ही अभी हम लोग एक मस्त एनिमेशन देखेंगे, बट हम लोग ऑब्वियसली फास्ट फॉरवर्ड ही करेंगे। ओके, तो आई गेस आज के एपिसोड में यही एंड करूँगा, बिकॉज नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग यही से कंटिन्यू करेंगे, और देखते हैं क्या क्या करना है हम लोगों को यहाँ पे, एंड देखते हैं कि क्या मेरी टीम यहाँ पे ख़त्म होगी। वेल, अगर मैं सच कहूँ तो मुझे बस देखना है कि मैं कितने लेवल तक जा सकता हूँ या फिर कितने एपिसोड बना सकता हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करना। मैं बोलूँगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, पीस आउट।